हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सोयाबीन न्यूट्रेला सोया चंक्स, आप इसे जो भी कहते हो। यहाँ पे मैंने बना लिया है सोयाबीन और सोया चंक्स। यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 2 टमाटर और 5 नंग प्याज। यहाँ पे हमें प्याज को अच्छे से साफ करके फिर मिक्सर में ग्राइंड करना है। आप चाहे तो इसे चॉपर की मदद से चॉप कर सकते हैं या फिर छोटे टुकड़ों में काट करके भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं ऑनियन की प्यूरी का इस्तेमाल करूँगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसे मिक्सर में ही ग्राइंड कर लूँगी। कुकर में हमने ऑयल गरम कर लिया है और मैंने जीरा का तड़का लगाया है। यहाँ पे मैं लौंग और तज का भी इस्तेमाल करूँगी। आप जो भी मसाला पसंद करते हैं यहाँ पे आप तड़का लगा दीजिए। देखिए हमारा तड़का हो गया है, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ प्याज जो मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिए हैं, और फिर साथ में मैं डालूँगी टोमेटो। टोमेटो को भी मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है। आप चाहे तो सब्जियों को काट के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हल्दी 1 टेबल स्पून, मिर्ची लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 2 टेबल स्पून, धनिया जीरा पाउडर और लास्ट में यहाँ पे डालूँगी मैं 1 टेबल स्पून नमक। यहाँ पे अगर आप और भी मसाला डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लाल मिर्च वाला सूखा मिर्च का इस्तेमाल करके ही मैं सूखा मसालों के साथ ही मैं इसे बनाऊँगी। यहाँ पे मैंने सोयाबीन को पानी में उबाल कर निचोड़ कर इसका इस्तेमाल किया है और फिर छोटे टुकड़ों में मैंने इसे तोड़ भी लिया था। देखिए यहाँ पे हमारा जो मसाला है वह बनकर रेडी है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी 1 पोटैटो, इस तरह से काट कर हमें ऊपर ही से डाल लेना है, और 1/2 ग्लास वाटर डाल लीजिए। फिर इसे 5 से 6 सीटी आप बजा सकते हैं, तो ये आसानी से बन जाता है। देखिए हमारी जो रेसिपी है वह बनकर रेडी है। आप ज़रूर से बनाइए और ट्राई कीजिए। ये मैंने साथ में सोयाबीन को रोस्ट भी कर लिया है मसाले डालकर, और आप इसे रोटी के साथ सर्व कीजिए। बाय बाय।